दोनों जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह 3D एनिमेटेड मूवीज़ तैयार कर सकते हैं जैसे हॉलीवुड में तैयार होती हैं। यही नहीं बल्कि आप अगर किसी गेम बनाना चाह रहे हैं आप कोई, तो उसके लिए आपको मॉडलिंग करनी है, आपको कोई करेक्टर बनाना है, आप वो भी इसमें बना सकते हैं। आपका अगर VFX करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें 3D 2D दोनों एनिमेशन कर सकते हैं, दोनों तरह के मॉडल तैयार कर सकते हैं। जी हम बात करें ब्लेंडर 3D की, तो आज मैं आपको इसका रिव्यू लेंगे, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। मैं इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन ब्लेंडर 2.83 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रिक्वायरमेंट, ये बहुत कम स्पेस लेता है, तकरीबन 200-300 स्पेस लेता है, 200-300 MB इसका सेटअप, तकरीबन 150 MB स्पेस लेता है। ये आसानी के साथ हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे ब्लेंडर इनके ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से। तो चलिए हम पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जर्नल में हम तो ये 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग कोई भी हम करना चाहें तो इसमें हम करते हैं ना। 2D एनिमेशन आपको पता होगा, हम बहुत से कार्टून देखते हैं YouTube वगैरह पे, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आप समझते रहे होंगे हमें इसमें नहीं पता ब्लेंडर शायद मुश्किल आपको लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान होता है, ये ऑटोडेस्क माया से ज़्यादा आसान होता है अगर आपने सीखने हो। अगर मैं भी इंशाल्लाह इस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। YouTube पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी कम्युनिटी है जो हमें ब्लेंडर सिखा रही है। अगर आपने यहाँ पे कुछ सीन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसमें बआसानी वो YouTube से देख सकते हैं ये फ्लैग्स इसमें किस तरह बनते हैं, ये आप सब कुछ दे सकते हैं। 2D एनिमेशन भी हम इसमें बना सकते हैं, उसके भी हम ट्यूटोरियल दे सकते हैं। इसमें VFX भी हम कर सकते हैं। VFX आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। VFX होता है जो ज़्यादा मूवीज़ में इस्तेमाल होता है, ये आपने देख लिया होगा इन तस्वीरों से। जैसे हम अवेंजर में देखते हैं कि पीछे लड़ाई हो रही होती है, हम समझते हैं हकीकत में इस तरह का कोई सीन होता जो हम क्रिएट करना चाह रहे हों तो हम उसे VFX कहते हैं, विजुअल इफेक्ट। तो ये भी ब्लेंडर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इस तरह के VFX के आप बहुत से सीन ले सकते हैं। अब इसमें 3D मॉडलिंग में हम आते हैं, तो आप, मैं कहता हूँ अगर आप कोई 3D एनिमेटेड मूवी बनाना चाह रहे हैं, कोई कार्टून बनाना चाह रहे हैं या कुछ मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसे लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो एक फ्री है, बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बजाय ऑटोडेस्क माया भी है, लेकिन उसमें शायद कोई $50 या $40 मंथली लेते हैं, अब मुझे ख़ास पता नहीं है उसका, लेकिन इतने लेते होंगे। अब इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक मिनट में। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने फीचर इसके रखे हुए हैं, अब हम जिस तरह चाहें इसे बना सकते हैं। हम ये देखिए, मैं तो अभी मैं आपको इसका रिव्यू ले रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको अभी कोई ट्यूटोरियल नहीं बना रहा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल टैच विद कासम को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके ट्यूटोरियल भी लाता रहूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो आने तक अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।